जैसा बाइबल बयां करती है कि मैं तेरे वंश में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे आत्मिक पिता और अपने दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी को चुना है हमें आशीषित करने के लिए। 16 अगस्त 2004 को परमेश्वर के दास प्रभु में आए और परमेश्वर की महिमा धीरे धीरे अपोस्टल जी के जीवन में बढ़ती गई। परमेश्वर की अद्भुत योजना के तहत अपोस्टल जी ने पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु में समर्पण कर दिया। प्रभु उनकी विश्वास योग्यता को देखकर धीरे धीरे बढ़ाता गया। 2008 में जब अपोस्टल जी ने सेवकाई की स्थापना की तो इन्हें बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ा, पर अपोस्टल जी घोर निराशा, विरोध और बीमारियां होने के बावजूद प्रभु में अड़े और खड़े रहे। परमेश्वर ने अपोस्टल जी को बड़ी बिरदारी का कारण बनाया और आज करोड़ों लोग अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज द्वारा आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर अपोस्टल जी को बहुतायत के साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। लाखों गवाहियां और इतनी बड़ी सेविकाई होने के बावजूद अपोस्टल जी का पैशन प्रभु के कामों को करने का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सभी चर्च ब्रांचेज में एंड टाइम इवेंजलिस्ट से सुसमाचार का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है और सुसमाचार का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है। फादर, आपके इस समर्पण और प्रेम को देखकर हम अचंभित हैं और आपके स्पिरिचुअल बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमें परमेश्वर में पवित्रताई से चलना सिखाया। परमेश्वर के गहरे भेदों को हमने आपसे जाना है। वचन का प्रकाशन आपने हमें बताया है। आपने हमें प्रभु में ईमानदारी से चलना सिखाया है। शुद्ध मन और हृदय से परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है आपने हमें बताया है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए खड़ा किया था, यहोशू का जिम्मेदार व्यक्तित्व और समर्पण देकर उसको इसराइल का अगवा होने के लिए खड़ा किया था, दाऊद के हृदय को देकर अपनी प्रजा के राजा होने के लिए अभिषेक किया था, वैसे ही परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है जनरेशंस को बदलने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर में ईमानदारी से चलें और परमेश्वर की राज्य की खोज में रहें। हम आपको दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं और कामना करते हैं परमेश्वर आपको और अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाए। हैप्पी स्पिरिचुअल बर्थडे टू वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। थैंक यू फादर।